हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए स्टोरी कर रही हूँ द बैट। और उससे पहले एक बात, मेरा एक और चैनल है स्टोरी सेंटर नीलिमा, जिस पर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और जाने माने ऑथर्स के नॉवेल्स और उनकी स्टोरीज वगैरह, उनकी रचनाएं लेकर आती हूँ। तो आप उस चैनल को भी देखिएगा ज़रूर से, स्टोरी सेंटर नीलिमा। और अगर आपको पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो चैप्टर की आपके लिए समरी करने जा रही हूँ वो है द बैट। ये स्टोरी बहुत फेमस है, एंटोन चेखो की स्टोरी है और आईसीएसई इंग्लिश का पार्ट है ये स्टोरी। तो आइए देख लेते हैं स्टोरी द बैट। द बैट जो है वो एक अमीर बैंकर और एक वकील के बीच में लगी हुई शर्त के बारे में है कि किस तरह से जो है, इस कहानी से हमें नैतिक शिक्षा मिलती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है और व्यक्ति के एथिक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन उसूलों पर वह चलता है। तो आइए देख लेते हैं स्टोरी द बैट। द बैट स्टार्ट होता है, स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक अमीर बैंकर, एक बैंकर है जो कि अपने घर के अंदर है और वो बहुत चिंतित है क्योंकि आज से 15 साल पहले उसने एक शर्त लगाई थी और शर्त भी छोटी मोटी नहीं बल्कि 2 मिलियन की लगाई थी, यानी कि 10 लाख रुपये के लगभग उसकी शर्त लगाई थी। और ये यहाँ वो जो है अपनी उसी शर्त की बात को याद कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो शर्त पूरी होने वाली है। अब वो शर्त पूरी होने का टाइम हो गया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो पैसा कहाँ से देगा क्योंकि इतने समय में जो है उसका मतलब वो भी उतना पैसे वाला नहीं रहा है, अब वो उतना अमीर नहीं रहा है। तो यहाँ पर वह याद करता है कि 15 ईयर्स पहले जब वो जवान था तो वह एक पार्टी में गया था और वहाँ पर जो है उसके कई दोस्त भी आए हुए थे और उसी पार्टी में एक उसे यंग लॉयर भी मिलता है। तो इस पार्टी में जो है ये लोग जब बातचीत करने लगते हैं तो डेथ पेनल्टी के ऊपर डिस्कशन चलता है जिसमें बैंकर अपना ओपिनियन रखता है कि जो डेथ पेनल्टी है, जो कैपिटल पनिशमेंट है यानी कि फांसी की सजा, मतलब मृत्यु की सजा, वह उम्र कैद से बेहतर है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बेहतर है क्योंकि हाँ क्योंकि वह मानता है कि जो है डेथ पेनल्टी ठीक है। लेकिन जो लॉयर था उसका मानना था कि केवल इंसान का जीवित रहना ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंडीशन में, यानी कि वह लाइफ इम्प्रिजनमेंट को बेहतर मानता था बजाय किसी को मार देने के या उसे मृत्यु दंड देने के। तो यहाँ पर जो है दोनों लॉयर और बैंकर जो होते हैं उनके बीच में ठन जाती है एक तरह से और वो दोनों जो होते हैं इस मैटर पर डिसएग्री कर रहे होते हैं एक दूसरे से। अब बैंकर जो है वो भी जो है मतलब अपनी बात पर अड़ जाता है और दोनों में शर्त लग जाती है। बैंकर उसे कहता है कि अगर तुम 5 साल के लिए मेरे घर में कैद रहो, यानी कि एक सॉलिटरी रूम में तुम्हें जो है बंद कर दूंगा और वहां पर तुम कैद रहो, केवल 5 साल अगर तुम गुजार दो तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा, 2 मिलियन रुपीज दूंगा। लॉयर 5 साल की बजाय 15 साल वहां पर उसके जो है सॉलिटरी रूम में रहना स्वीकार कर लेता है और इस तरह से दोनों के बीच में शर्त लग जाती है और जो है एग्रीमेंट बन जाता है और जो लॉयर है उसे उसे बैंकर के घर में जो है गार्डन के पास वाले कमरे में कैद कर दिया जाता है। लॉयर को कुछ चीज़ों की परमिशन दी जाती है जिनमें से पहली होती है किताब पढ़ने की, दूसरी परमिशन उसको होती है कि वो लेटर लिख सकता है, तीसरी उसको स्मोक और ड्रिंक करने की परमिशन होती है। वहाँ पर रहते हुए यही 3-4 काम थे जो वो कर सकता था, बाकी टाइम उसे जो है कैद में रहना था, यानी कि अकेले में रहना था, बिल्कुल अकेले में पूरी दुनिया से कटकर। तो फर्स्ट 5 ईयर्स जो होता है वहाँ पर तो लॉयर जो है काफ़ी लोनली फील करता है, बट फिर वो जो है तरह तरह की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है जिनमें लैंग्वेज की क्लासिक बुक्स होती हैं, साइंस, फिलोसफी, रिलीजन, ये सभी जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है और उनका गहन अध्ययन शुरू कर देता है क्योंकि देखिए वो बिल्कुल अकेला होता है तो उसके पास टाइम पास का यही एक साधन होता है कि वो किताबें पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की वो कोशिश करता है इस समय के अंदर। अब जो है यहाँ पर जो है लॉयर की आज़ादी का दिन आ चुका था, मतलब शर्त खत्म होने का दिन आ चुका था, 15 साल बीत चुके हैं और बैंकर जो है वो अब ही इज़ नाउ शॉर्ट ऑफ मनी, अब उसके पास पैसा नहीं है। भाई उसने उस समय शर्त तो लगा ली थी 15 साल पहले, लेकिन 15 साल में हालात क्या होंगे ये वो भी नहीं जानता था ना, तो उसके पास अब जो है पैसे नहीं थे, उसके पैसे जो है खत्म हो चुके थे।
अब उसे यह चिंता थी कि अगले दिन लॉयर जो है वो छूटने वाला है, शर्त की मियाद खत्म होने वाली है। और अब वह उसे जब उसने तो मतलब अपनी शर्त पूरी कर दी, वो तो 15 साल रह लिया कैद के अंदर, लेकिन अब बैंकर सोच रहा था कि वो किस तरह उसको फेस करेगा, क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे तो है ही नहीं, किस तरह वो पैसों का बंदोबस्त करेगा। तो फिर वो परेशान हो जाता है सोचते सोचते, और इस तरह से वो एक प्लान बनाता है। वो सोचता है कि अगर उसे मार दिया जाए तो पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऐसा सोचकर रात को वो जो है लॉयर के रूम में जाता है और चाकू लेकर मतलब उसके रूम में जाता है उसे मारने के लिए। जहाँ पर वो लॉयर जो होता है वो मोशनलेस जो है बैठा हुआ होता है, टेबल के पास बैठा हुआ होता है, और उस मतलब ही वॉज लुकिंग लाइक जैसे हड्डियों का ढांचा केवल लग रहा होता है वो। और सडनली जो है जैसे ही बैंकर उस पर हमला करने वाला होता है तो सडनली उसको एक कागज़ दिखता है जो कि एक नोट होता है, और उस पर लिखा होता है कि ये दुनिया जो है पूरी तरह से एक छलावा है। और लॉयर ने उस पर लिखा था कि मतलब वो पहले जो है पैसे को अहमियत दिया करता था और उसने शर्त वगैरह भी लगाई थी, लेकिन जब उसने फिलोसफी और रिलीजन को जो है डीपली स्टडी किया तो फिर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। अब उसके हालात ये थे कि वह मोह माया से पूरी तरह दूर हो चुका था, रिलीजन पढ़ने की वजह से उसे ये समझ आ चुका था कि ये सब टेम्प्रेरी हैं, और अब उसे पैसों में किसी तरह की कोई रुचि नहीं थी, यहाँ तक कि कोई लालच भी नहीं था उसे कि उसे 2 मिलियन रुपीज मिलने वाले थे। और यही सब सोचकर लॉयर जो है अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि शर्त पूरी हो गई थी, उसे पैसे लेने पड़ेंगे। तो यह सोचकर वो सोचता है कि जब जो है शर्त पूरी होने का फिक्स टाइम जो है उससे जस्ट 5 मिनट्स पहले वो जो है यहाँ से भाग जाएगा, इस रूम से भाग जाएगा, और इस तरह से उसे जो है वो पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो जो है भागने का प्लान बना रहा था और उधर बैंकर जो है वो उसे मारने का प्लान बना रहा था ताकि जो है वो पैसों का क्लेम ना कर सके। तो अब जो है बैंकर जो है उसे बुरी तरह से पछतावा होने लगता है उसे, क्योंकि देखिए उसने तो मारने का प्लान बनाया था, तो उसको ही वॉज रिपेंटिंग बैडली, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा जो है पछतावा होता है कि उसने कितना गलत सोच लिया। फिर वो है उसे जो है अपने आप से नफरत हो जाती है एक तरह से, और वो जो है लॉयर के नोट को संभाल कर अपने पास रख लेता है, अपनी अलमारी में संभाल कर रख देता है, और मतलब वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और लॉयर के नोट को संभाल के रख लेता है। अब लॉयर जो है वो भी अपने सोचा हुआ मतलब अपने फिक्स प्लान के तहत ही काम करता है, और जब फिक्स टाइम होने वाला होता है तो फिर वो 5 मिनट पहले वहाँ से भाग जाता है। तो ये थी स्टोरी द बैट। इसमें बताया गया है कि किस तरह से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें मायने रखती हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। थैंक यू।